हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो है सीडीएसएल का। और सीडीएसएल का शेयर आज पता है कि 5% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ है। और यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है, वो इंडिकेशन मैं बताऊंगा कि अब क्या इंडिकेशन और क्या लेवल्स होंगे और किस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन और मार्केट आवर में आप देख लीजिए कल के डेट में कि इसमें क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसने क्लोजिंग दी है यानी अपर सर्किट पे जिसको लॉक हुआ है वो 1331 यानी 1331.20 पैसे का है। तो यहाँ पे यदि देखें तो इस जिस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है वो इस लेवल यानी आपको देखें 13 सितंबर को इसने हाई लगाया था और फिर एक क्लोजिंग दी थी इसने 1375 रुपये का, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया था और क्लोजिंग जो है 1353 1375। तो 1353 और 1375 का जोन दोस्तों, ये जो है इसमें चार बार इसने जो है अटका है इस लेवल पे। तो ये लेवल जो होगा बहुत ही क्रूशियल होगा, यदि इस लेवल को भी तोड़ देता है तो आप यहाँ से मान लीजिएगा कि ये शेयर जो है अपने 52 वीक हाई जो जुलाई में बना था 15 जुलाई को 1585 रुपये को ये क्रॉस करने अब जा रहा है। और इसमें क्लियर कट रिवर्सल जो है अब देखने को बन रहा मिल रहा है। देखिए जब इसने चाल शुरू की थी आप देखिए 455 रुपये के लास्ट ईयर से, तो उसने जो है एक हाई और देखा जाए 466 पे फिर इसने डिग्रेड हुआ था, फिर 554 का हाई लगाया था और 554 का जो लेवल था दोस्तों वो टूटा था आपका 15 फरवरी को। अब 15 फरवरी को अच्छे वॉल्यूम के साथ देखिए इसने जो है ये लेवल तोड़ा था और फिर जो है चार ट्रेडिंग सेशन इसने बिताया और फिर जो है 12 मार्च फिर देखिए इसके बाद इसने हायर टॉप हायर बॉटम का और बीच बीच में जो है 8-10 ट्रेडिंग सेशन इसने जो है बिताए हैं। इसको क्लियर कट देखिए एक सीढ़ी बनाया और सबसे ज़्यादा जो इसमें कंसोलिडेशन आया था वो था 28 मई से लेकर 1 जुलाई तक, यानी पूरा जून एक महीने से ज़्यादा का इसमें रहा था। और यहाँ पे इस लेवल को एक हाई बना था जो कि 16 जून को इसको जब तोड़ा था, तो फिर देखिए यहाँ से चाल बहुत ही तेज़ हुआ था और 5-6 ट्रेडिंग सेशन में इसने 52 वीक हाई लगाया था। फिर वहाँ से शेयर यदि देखा जाए तो फिर इस लेवल को एक बात करते हैं तो ये लेवल जो एक है जहाँ से इसने जो क्लोजिंग जो दी थी फिर संभालने की कोशिश की, तो 1392 पे जो है इसने क्लोजिंग दिया था, तो एक 1392 और फिर ये इस लेवल पे काफ़ी टाइम पे सपोर्ट लेता रहा और इसी के अराउंड जो है आप देखिए 26 जुलाई से 11th of August तक यहाँ पे बना रहा और फिर इस लेवल को जब इसने तोड़ा तो फिर एक लेवल हम लोग मार्क करते हैं। अब वो लेवल होता है ये जो लेवल जहाँ से इसने 1096 का जहाँ से स्टार्ट किया था ये अपर जर्नी, और फिर जो है इसके बाद देखिए क्लोजिंग जो इसकी होती है यहाँ पे इस लेवल से संभल जाता है और यहाँ पे क्लोजिंग जो देता है 1100 यानी 1200, और ये 1200 का लेवल देखा जाए कि इसी के अराउंड में लगभग जो है ये देखिए 24 अगस्त से 8 सितंबर तक गुजारा और यहाँ से रिवर्सल हुआ है। और बात करें यहाँ पे फिर जो है हाई लगाने के बाद 1434 रुपये का हाई लगाने के बाद जो कि यहाँ पे एक हाई था और रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसको हाई लगाने के बाद जो है फिर ये नीचे के लेवल पे बंद हुआ था 1355 पे और फिर वहाँ से ये ड्रैग करके फिर जो है 1258 बोलिए या 1253 के आसपास सपोर्ट लिया है। क्योंकि अब जो है इसका जो है यहाँ से देखा जाए इसका सपोर्ट अब खिसक के ऊपर की तरफ आ गया है यानी इस लेवल पे आ गया है, तो अब 1264-55 का जो लेवल है अब देखा जाए तो 1140 से 100 रुपये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। और यहाँ से ये जो जंप मिला है ये क्लियर साइन है कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार हो चुका है और यहाँ से ये अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और बात करें न्यूज़ की तो देखिए न्यूज़ में भी आया है, न्यूज़ में सिंपल सा है, BSE और CDSL शेयरिंग शेयर गिव्स मल्टी वेगर रिटर्न इन 6 मंथ शुड यू बाय और होल्ड, ऐसे करके एक आर्टिकल छका है जिसमें जो है आपको पता होगा BSE ने अच्छा खासा 4 करोड़ से ज़्यादा का अपना आंकड़ा पार कर लिया है रजिस्टर्ड यूजर का, वहाँ पे 7% का इसमें जो है जंप देखने को मिला। और वहीं CDSL की बात करें तो इसने जो है 100% का रिटर्न दिया 6 मंथ में मल्टीवेगर रिटर्न दिया है और 120% जो है BSE ने दिया है, तो दोनों ही शेयर जो है मल्टीवेगर हुए हैं। और दूसरी बात बात करें दोस्तों इस शेयर की तो इसकी मोनोपोली है, आपको पता है कि इसकी एक और कॉम्पिटिटिव NSDL है,
वो एक है जो कि लिस्टेड नहीं है, सीडीएसएल लिस्टेड है तो इनकी मोनोपोली है, यदि इस तरह का कोई दूसरा शेयर है नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि इसको किसी और शेयर से कंपेयर करें, क्योंकि ये शेयर आगे आने वाले समय में यदि बात करें अमेरिका की, चाइना की या कोई बड़े कंट्री के जहाँ जिसकी जीडीपी अच्छी है, तो वो जीडीपी यदि हम लोग बात करते हैं 5 ट्रिलियन का, 10 ट्रिलियन का, यदि आप आगे आने वाले समय में यदि इंडिया की जीडीपी होता है तो आपका शेयर मार्केट में जो यूजर हैं डीमेट अकाउंट से वो काफ़ी संख्या में बढ़ जाएंगे और वहाँ पे पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो इसका पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा और इसके नंबर ऑफ यूजर्स जो है डबल होंगे, आने वाले 4-5 सालों में डबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमेशा पॉजिटिव है, और मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, यूजर जो है या मतलब आपके ट्रेडर जो है वो रजिस्टर्ड होते रहेंगे। और जैसा कि बैंकिंग में चल रहा है कि बैंक में पैसा रखिए तो भी पैसा कटता है, बाहर रखिए तो भी पैसा कटता है, तो सारी चीज़ों से आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट ऐसा कर दे रही है कि धीरे धीरे जो है लोगों का रुझान जो है शेयर मार्केट की तरफ बढ़ेगा, और ये मुझे क्लियर दिखता है। तो इसलिए इसी पर्स्पेक्टिव से मैं बात करता हूँ कि इस शेयर को किसी भी नीचे के लेवल पर आपसे ये मत देखिए कि आज मैंने बोला और कल को नीचे आ गया आपका लॉस हो गया, तो उस तरह से मत कीजिए। इसको जो है एज अ आप इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल आप इसको इन्वेस्ट करेंगे ये उतना मल्टीबैगर रिटर्न आपको देगा, ये 100% गारंटेड है इस शेयर में। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये लेवल कैसे लगे वो मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।